डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट थर्ड में MOT एंड पाई बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और पाई बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि एक तो ओवरलैपिंग पाई LGO पार्टिसिपेट में प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, और उसकी जो साइज और एनर्जी है वो भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, वरना वो जो ओवरलैपिंग है पाई और मेटल लिगेंड में जो पाई बॉन्डिंग है वो उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो इन एडिशन टू फॉर्मिंग ML सिग्मा बॉन्ड्स मैनी लिगेंड्स सच एज कार्बोनिल फास्फोरस एल्किल समूह CN साइनाइड आयंस आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ML पाई बॉन्ड विद ए मेटल। दी पाई LGO पार्टिसिपेटिंग इन ए पाई बॉन्डिंग ओवरलेप विद मेटल ऑर्बिटल्स ऑफ एप्रोप्रिएट सिमेट्री। दी सिमेट्री क्राइटेरियन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाउएवर इवन वैन लिगेंड एंड मेटल ऑर्बिटल हैव द करेक्ट सिमेट्री फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एन एनर्जी और साइज मिसमैच में रिजल्ट इन एन इनसिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन। सीधा सा है इसमें कि यदि आपकी सिमेट्री प्रॉपर है और लिगेंड और मेटल के मध्य करेक्ट सिमेट्री होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उनकी एनर्जी और साइज भी मिसमैच नहीं होंगी, और यदि मिसमैच होती हैं तो उनके भी रिजल्ट जो आपके आएंगे वो सही नहीं आएंगे। रिजल्ट का मतलब है कि पाई मेटल और पाई बॉन्डिंग में सिमेट्री यदि प्रॉपर नहीं है तो उस तरह के रिजल्ट उसमें नहीं आते हैं। दूसरा इसमें और क्या है कि इनकी जो मेटल लिगेंड में यदि प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड की जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। ए पाई बॉन्ड हैज ए नोडल सरफेस इंक्लूडिंग द बॉन्ड एक्सिस ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल हैव लूप्स ऑफ अपोजिट साइन ऑन ईच साइड ऑफ दिस नोडल सरफेस। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मे फॉर्म 12 ML पाई बॉन्ड्स। हाउएवर 12 पाई बॉन्ड्स आर नेवर फॉर्म्ड। इसमें आपके जो मेटल और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें टोटल 12 ML पाई बॉन्डिंग की मानते हैं, पर ये कभी भी संभव नहीं है, इतने पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं। और जो पाई बॉन्ड 4 टाइप ऑफ मेटल लिगेंड ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन दी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन कौन से पाई बॉन्ड बनते हैं इसमें? डी पाई पी पाई, डी पाई डी पाई, डी पाई एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, डी पाई सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। दी पाई LGOs इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिलोंग टू फॉलोइंग सिमेट्री क्लास। चार तरह की इसमें सिमेट्री क्लास बनती हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है T2G, T1G, यानी फर्स्ट T2G, सेकंड T1G, थर्ड T2U और फोर्थ है T1U। इन क्लास जो इसकी सिमेट्री की जो क्लास हैं ये इनकी एनर्जी प्रोप्रिएट होनी चाहिए, सिमेट्री भी प्रोप्रिएट होगी जब ही पाई बॉन्डिंग ओवरलैपिंग प्रॉपर होती है। आउट ऑफ दीज ए ट्रांजिशन मेटल एटम हैव ऑर्बिटल ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? टू, जिनमें एक तो T2G पार्टिसिपेट कर रहा है और एक T1U। T2G में DXY, DYZ और DXZ है तथा T1U में PX, PY एंड PZ है, एंड हेंस कैन टेक पार्ट इन ML पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। दी LGOs ऑफ T1U, LGOs ऑफ T1G एंड T2 रिमेन नॉन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ मैचिंग सिमेट्री इन मेटल एटम। दी मेटल एटम कैन यूज T2G एंड T1U टाइप ऑर्बिटल्स फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। दी मेटल ऑर्बिटल ऑफ PX, PY एंड PZ ऑफ T1U सिमेट्री आर इन्वॉल्व इन दी ML सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दी
लोब्स ऑफ दीज ऑर्बिटल लाई अलोंग दी लिगेंड द फॉर्मेशन ऑफ एम एल पाई बॉन्ड यूजिंग दी ऑर्बिटल्स ऑफ टी वन यू सिमेट्री वुड टेंड टू वीकन दी एम एल सिग्मा बॉन्ड एंड आर नॉट फेवर्ड हैंस ओनली टी टू जी सिमेट्री ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम आर कंसिडर्ड इन दी एम एल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कैन फॉर्म एम एल पाई बॉन्ड विद पाई एल जी ओज ऑफ मैचिंग सिमेट्री। इसमें आपने क्या देखा होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक तो सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, उसका जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपर मेटल लिगेंड के मध्य है जब, तो प्रॉपर बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग होगी। और दूसरा उनकी एनर्जी साइज भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें पाई बॉन्डिंग ओवरलैपिंग नहीं होती प्रॉपर। अब इसमें द लिगेंड पाई ऑर्बिटल में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तीन टाइप के आपके बंद बनते हैं पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में, जिनमें एक तो सिंपल पी ऑर्बिटल्स है, सेकंड है इसमें सिंपल डी पाई ऑर्बिटल, और थर्ड है आपके इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिंपल पी ऑर्बिटल्स दीज मे बी सिंपल लिगेंड पी ऑर्बिटल विच आर नॉट डायरेक्टेड अलोंग दी मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड एक्सिस। एग्जाम्पल पी ऑर्बिटल यूज इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आर परपेंडिकुलर टू वन अनादर एंड आल्सो टू द मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सिस। दस देयर आर टू सच पी ऑर्बिटल लेफ्ट ऑन ईच ऑफ द सिक्स लिगेंड इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेकिंग द टोटल ऑफ ट्वेल्व एंड फर्स्ट दीज लिगेंड पी पाई ऑर्बिटल्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म पाई टाइप एल जी ओज एंड देन दीज पाई एल जी ओ ओवरलेप विद टी टू जी मेटल ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल सिमेट्री टू फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दी पाई एल जी ओ विच कैन ओवरलेप विद मेटल डी एक्स जेड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज पाई जेड इजिकल टू हाफ पाई वन जेड माइनस पाई टू जेड प्लस पाई फाइव एक्स माइनस फाइव पाई सिक्स एक्स। फॉर एग्जाम्पल इन कॉम्प्लेक्स सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस आयन यानी हेक्जा फ्लोरो कोबाल्टेट दी टी टू जी ऑर्बिटल ऑफ दी मेटल कैन ओवरलेप विद दी टी टू जी एल जी ओ फॉर्म्ड फ्रॉम दी फ्लोरिन टू पी ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग एम ओ आर फॉर्म्ड। ओवरऑल गेन इन बॉन्ड एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट मच दी फिल्ड टी टू जी ऑर्बिटल आर लोअर्ड इन एनर्जी एंड दी नियरली फिल्ड टी टू जी स्टार ऑर्बिटल्स आर रेज्ड बाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दस दी ओनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज दी एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम दी स्लाइटली डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ दी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल टी टू जी बॉन्डिंग एंड टी टू जी एंटी बॉन्डिंग। इसको हम और जब डिस्कस करते हैं तो ये जो डाइग्राम दिए हुए हैं इनमें और क्लियर हो जाता है कि जो बॉन्डिंग का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा आपके, कि ओवर पाई ओवरलेप ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल विद वेरियस टाइप ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल। इसमें चार तरह के पी डी पाई स्टार और सिग्मा स्टार। मेटल लिगेंड में एक तो कौन सा बंद है, डी पाई। इसमें दो लोब हैं आपके प्लस और माइनस, प्लस 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 के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी और माइनस के साथ, तो फर्स्ट वाले में तो आपके मेटल लिगेंड के बाद ओवरलैपिंग होगी, सेकंड में क्या हो रहा है मेटल और लिगेंड के मध्य डी पाई
और पी पाई बंद बन रहा है, तो इसमें आपके जो लोग प्लस हैं वो प्लस के साथ मैच करेंगे और जो माइनस वाले हैं वो माइनस के दूसरे लोब के साथ इंटरेक्ट होंगे, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगी उतना ही पाई बंद ज़्यादा स्टेबल या मजबूत बनता है। तीसरा इसमें क्या है, डी पाई पाई स्टार बंद होगा, उसमें आपके लिगेंड और मेटल के मध्य होगा, जिसमें आपके मेटल कार्बोनिल सी ट्रिपल बॉन्ड ओ के साथ बंद बनाता है और पाई बॉन्डिंग करता है। जबकि चौथा है डी पाई पाई सिग्मा स्टार, इसमें मेटल और लिगेंड के मध्य, मेटल तो डी पाई बंद बनाएगा पर जो आपका लिगेंड है जो यहाँ पे हाइड्रोजन को काम में लिया है, तो दो लोब हैं इसमें प्लस और माइनस, तो माइनस लोब मेटल के माइनस से और प्लस लोब मेटल के प्लस उस चार्ज से जुड़ जाता है। इसके बाद इसमें जो सिंपल पी ऑर्बिटल है, आपके जो सिंपल पी ऑर्बिटल पर अपन जो डिस्कस कर रहे थे उसका एक डायग्राम और है, उससे भी आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि आपके जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और वो मेटल और लिगेंड के मध्य बंध बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और 6 आपके लिगेंड मेटल के साथ क्या कराएंगे, बंध बनाएंगे, तो उसमें आपके डायरेक्शन जो उनकी एक्सिसों की होगी, लिगेंड पी वाई ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में आपके लिगेंड कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6, L1, L2, L3, L4, L5 और L6। इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, L1 एक्स डायरेक्शन में आप इसको प्लस मान लें, दूसरे को क्या मान लें आपके माइनस लो, तो L1 में P1Y और P π1Y और π1Z आपके पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि L2 में आपके क्या क्या दे आपको पार्टिसिपेट करेगा, π2Z और π2Y। इसी तरह से Y डायरेक्शन में जाते हैं तो L3 L4 लिगेंड जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्या है, π3X और π3Z, जबकि L4 में π4X और π4Z, जो कि Z डायरेक्शन जो है उसमें उनमें आपके L5 और L6 लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें L5 में πPX और π5Y, उसी तरह L6 में आपके जो डायरेक्शन है उसमें क्या होंगे, π6X और π6Y। इस तरह के ये इसमें लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे, और जो दूसरे डायग्राम में जो दिखा रखा है उसमें क्या हो रहा है, ओवरलैप ऑफ मेटल पी जेड एटोमिक ऑर्बिटल विद ग्रुप लिगेंड पी पाई ऑर्बिटल्स, इसमें आपके L1, L2, L3, L4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, जिनमें लिगेंड ऑर्बिटल L1 में क्या होगा आपके π1Z, जबकि L2 में π2Z और L3 लिगेंड है उसमें π3Z और L4 लिगेंड ऑर्बिटल में क्या बन रहा है, π4Z। इनके सबके लोब प्लस और माइनस प्रदर्शित करते हैं, और जो pZ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन मेटल जो मेटल का पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, dZ स्क्वायर यानी आपका सीधा सा है सिग्मा बंद से अटैच हो रहा है, बाकी ये सारे पार्ट पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो अपने को ध्यान रखना है, मेटल और लिगेंड के मध्य जो ओवरलैपिंग होगी उसमें एक तो उनकी एनर्जी और साइज प्रॉपर होनी चाहिए, सिमेट्री उनकी, और इनके मिसमैच नहीं होने चाहिए, यदि मिसमैच होंगे तो फिर क्या होगा, पाई बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग नहीं होती है और उससे प्रॉपर बंद नहीं बनेंगे, तो आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेबल नहीं होंगे।